अच्छा यार, सारा दिन खपके मैंने वो उसे साफ किया है, उसे टेप लगाई है, सारा कुछ किया है, और अभी सबसे ज़्यादा जो दुख वाली बात बताऊँ क्या हुई है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज। आई नो बहुत दिनों बाद व्लॉग बन रहा है, बट कंप्रोमाइज थोड़ा सा कर लें मेरे साथ। फ्रेश लुक में रानी खड़ी हुई है हमारी। आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपने फ्रेश गाड़ी वॉश करवा के खड़ी की हो नेक्स्ट डे व्लॉग बनाने के लिए, और आप जब व्लॉग बनाने के लिए निकले तो आपके साथ ऐसा हो, बारिश आना स्टार्ट हो जाए, तो क्या किया जाए? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कि फिर क्या, कैसे निकाली थी, वैसी हम जो ना इसे वापस अंदर जाने देंगे। मेरा मूड बिल्कुल नहीं है साफ सुथरी गाड़ी को जो है ना वो व्लॉग बनाना है। कोई नहीं, एक दिन और सही, सुबह बना देंगे। अभी मुझे दोबारा कपड़ा मारना पड़ेगा। भाई ने व्लॉग का प्लान कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, बारिश होने लग पड़ी है, मौसम आज वैसे इंजॉय वाला था, बट मेरी गाड़ी जो है ना वो मैंने रिसेंटली कल ही सर्विस करवाई है, तो आपका भाई सर्विस करवा करवा के थक चुका है गाड़ी। थोड़ा सा काम करवाना गाड़ी का मैंने, लेकिन उसके लिए मैं पूरी गाड़ी ख़राब नहीं कर सकता। सो व्लॉग हम कल पर रख लेंगे। कोई बात, आपके भाई ने गाड़ी अंदर की है और ख़ुद बाहर खड़ा हूँ, और बारिश जो है वो बंद हो चुकी है, क्या किया जाए यार। खैर बारिश थोड़ी थोड़ी है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि व्लॉग बना लूँ। बनाते बनाते ना व्लॉग बहुत ज़्यादा दिन गुजर गए हैं, यही करते करते सुबह 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 आज सुबह सुबह आज, तो आज बना ही देते हैं। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। व्लॉग शुरू करने से पहले सब भाइयों ने लाइक सब्सक्राइब कर देना, और तीसरा ऑप्शन है इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर। लास्ट व्लॉग में हमने क्या करवाया था, अगर आप सबको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। माशाल्लाह रानी इज़ हेयर, और बहुत कमाल की लग रही है। लास्ट व्लॉग में हमने स्पॉयलर चेंज किया था और साथ लाइट स्मोक करवाई थी हमने, तो सो याद नहीं हो तो हमारी ये वाली जो पट्टी थी, ये वाली ऊपर वाली, ये वाइट ही थी, तो ये तो मैंने दो दिन पहले करवाई है। इसका मैं व्लॉग नहीं बना सका हूँ, बट मैंने कहा चलें दिखा दें आपको बैक लुक। तो आज का जो हमारा काम है वो हम आपको अंदर बैठ के बताएँगे। फिलहाल हम गाड़ी निकाल के चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट। गर्मियाँ आ गई हैं, पता ही चला सर्दियाँ कब गई और गर्मियाँ कब आई हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि आपका भाई कहाँ पे, आपका भाई कहीं भी नहीं था, आपका भाई यहीं पे ही था। 15-20 दिन जो व्लॉग मैंने नहीं डाला तो उसकी वजह थी मोबाइल। मैंने मेरा मोबाइल जो था मैंने किसी को दिया हुआ था, तो अब खैर आपके भाई ने वो सेल कर दिया, तो मैंने सेल करके अभी दूसरा फ़ोन ले लिया, तो अब फ़ोन वाली टेंशन तो हमारी गई वो हल। अभी हमें फ़ोन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खैर दोबारा फ़ोन का मूड बनेगा तो दोबारा ले लेंगे। फिलहाल हमने भी यही चलाना है, तो व्लॉगिंग भी हमने इससे करनी है, लेकिन है ये एंड्राइड। तो आपका भाई एंड्राइड लवर नहीं है, आपका भाई आईफोन लवर है, बट कोई बात नहीं है, एंड्राइड से भी हम काम चला लेंगे, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। बट आज का जो सीन है वो ये है कि सबसे पहले हमने जाना है बाज़ार, और बाज़ार जाने के बाद इसकी दो चीज़ें सी डोर के नीचे लगती हैं, आई थिंक उसका मुझे नाम नहीं पता है, तो अगर किसी को पता हो तो वो मुझे कमेंट के अंदर बता भी दे कि इनका क्या नेम है। तो मैंने कुछ दिन पहले इस गाड़ी से उतरवाई थी, तो उतरवाई किसी वजह से थी, तो वो वजह भी आपका भाई आपको बाद में बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जाना है। अभी टाइम आपको दिखा दूँ तो जी टाइम हो रहे हैं जी 3 बज रहे हैं, और आपका भाई उठा है 2 बजे। 2 बजे आपका भाई उठा है, नाश्ता किया है, और वैसे ही आपका भाई आ गया व्लॉगिंग करने के लिए। मैंने कहा आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आज कोई जो है ना एनर्जी अपनी लो नहीं करनी, आज सीधा जाना व्लॉग बनाना, जो मर्जी हो जाए जैसा मर्जी बने व्लॉग व्लॉग बना। अब से हमारी जो रूटीन है वो दोबारा वैसे ही स्टार्ट होगी जैसे आगे थी रूटीन हमारी व्लॉगिंग वाली। तो 1-2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह मेरा व्लॉग आया करेगा, तो आप सब भाइयों ने वैसे ही सपोर्ट करनी है मुझे जैसे आप लोग मुझे पहले करते रहे हो। मुझे पता अब तक तो बहुत सारे भाई मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, आपका भाई है आपको दोबारा याद दिलाने के लिए। खैर व्लॉग हमारा आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंडबैग नीचे करते हैं, और वो जो हमारे 4 पेयर हैं वो एक शॉप पे पड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने वहाँ जाना है और वो पेयर उठाने हैं, वहाँ से पेयर वो साफ करके और दोबारा हम इंस्टॉल कराएंगे उन्हें। तो वो खैर टेप डबल टेप के साथ लगेंगे, वो मैंने आगे उतारे इसलिए थे कि वो साइड से ना थोड़े से उतर गए थे, और वो दोबारा वैसे ही लगे लगे टेप लगा रहा था ना मैं उन्हें, तो वो लग नहीं रहे थे। सो वो अगर कोई मुझे पुराना देख रहा है तो वो काफ़ी पीछे व्लॉग्स में मैंने बताया भी था कि इन्हें हम उतार देंगे, क्योंकि ये दोबारा चिपक नहीं रहे थे, वो लग नहीं रहे थे साथ, तो उन्हें ये थी कि सब उनको उतार के डबल टेप दोबारा सारी लगा के फिर वो लगने थे। खैर वो आज हम लगाएंगे, वो लगते तो खूबसूरत हैं, लेकिन उस वक्त तो मैंने उतार दिए थे,
अब टाइम आ गया दोबारा उन्हें इंस्टॉल करने का। और नेक्स्ट जो हमारा मूड है वो इंटीरियर पे है, हमने सोच लिया है इंटीरियर को हम ब्लैक करेंगे। ब्लैक इंटीरियर वाली ली नहीं है लेकिन ब्लैक इंटीरियर वाली कर देंगे। ये पार्ट्स जो कि हमने उठा लिए हैं वहाँ से, एक दो चार पीस हैं, इन्हें साफ करके फिर अप्लाई करेंगे हम। पार्ट्स हमने वहाँ से उठा लिए हैं, उन्हें सबसे पहले हम अच्छी तरह साफ करेंगे क्योंकि वो असल में मैंने लगवाए हुए थे सेल पे। तो कुछ दिन पहले मेरा मूड बना था कि यार सेल नहीं करने, अपनी गाड़ी को ही लगा लेते हैं क्योंकि वो उनका रेट काफी ज्यादा अप है। तो वो यहाँ पे FTS में पता नहीं सेल, मतलब हमारे सिटी में पता नहीं सेल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा यार कि उन्हें अपनी गाड़ी में लगा के उसके बाद उनका जो ऊपर वाला क्रोम है उन्हें हम यहाँ से आके ब्लैक करवा देंगे और वो लगे अच्छे लगेंगे गाड़ी को। उम्मीद है कि वो अच्छे लगेंगे, बाकी भी अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए मैंने टेप अपनी ही मंगवाई थी क्योंकि यहाँ पे जो टेप जिस शॉप से मैंने उठाए हैं ना उसी शॉप से वो टेप मिलती है, तो वो टेप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव देता है। खाली खाली स्पॉइलर को अगर वो टेप लगा के देना तो वो 1500-2000 रुपए वो टेप की सिर्फ मांग लेता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपनी टेप मंगवाई थी। मैंने कहा यार अगर कोई अभी, ये कल की बात है, ये वाला जो शिफ्टर है ना ये भी उतरा हुआ था, इसे भी दोबारा टेप लगानी है हमने। अभी खैर जाकर कारीगरी करते हैं कि क्या बनता है। वो है तो थोड़ा सा वो मतलब कि ज्यादा चौड़ा टाइप है, वो टेप जो है हमारी वो थोड़ी सी ब्रीक है, तो देखेंगे अगर तो लगा ठीक है वरना फिर कोई और जुगाड़ लगा के उसे अप्लाई करने की ट्राई करेंगे कैसे। पहले हमने इसे बाहर निकालना है, ये बोतल लेके आया हूँ क्लीनर वाली, तो इसे ट्राई करेंगे हम अच्छी तरह इन्हें साफ कर सकेंगे क्योंकि जो इनके हालात है ना वहाँ पे पड़े पड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं ये, ठीक है। तो पहले इन्हें अच्छी तरह साफ करके उसके बाद इन पे टेप लगाएंगे, उसके बाद इन्हें अप्लाई करेंगे। तो काम काफ़ी लंबा चौड़ा है तो साथ रहिएगा। बताओ भाई ये हम क्या कर रहे हैं? ये इंजमाम भाई मॉडिफाई कर रहे हैं गाड़ी को जी। ओ भाई ये गन मैन है मेरा जी। कर्नल जट साहब आप हमारे चैनल के बारे में क्या बोलेंगे या पब्लिक को? ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं और इनको फॉलो करो, लाइक करो, ये बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन इन्होंने की है गाड़ी पे। थैंक यू जी। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, शुक्र है सब्सक्राइब आपका हट नहीं गया। फाइनली जी एक पीस हमने लगा दी है, इसमें तो हम कामयाब हो गए हैं। अभी इसका बैक साइड वाला हम लगाते हैं, उस पर टेप लगाएंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे फिर देखते हैं जी। ये सब हमारे फैन आए हुए हैं गाड़ी देखने के लिए। ये एक छोटा सा नन्ना मुन्ना फैन है, ये दो अमली आए हुए हैं। अभी तीनों साइड्स पे लग गए हैं, अभी एक साइड का लगना था लेकिन जो है कि वो फाइनली हमारी टेप जो है वो ख़त्म हो गई है। तो टेप खैर काफ़ी ज़्यादा मैंने लगाई है ताकि ये निकले ना अंदर से। ये देखें इधर से, इधर भी और नीचे भी काफ़ी सारा मैंने टेप लगाई है इधर ताकि दोबारा जो ना वो उखड़े ना, लेकिन फाइनली इस पे आ गए जो हमारी वो टेप ख़त्म हो गई है। अभी हम वापस जाएंगे वहाँ पे बाज़ार से जाके जो इतना हिस्सा इसका रह गया है उस पे हम टेप वहाँ से लगवा लेते हैं। अच्छा यार सारा दिन खप के मैंने वो उसे साफ़ किया है, उसे टेप लगाई है, सारा कुछ किया है, और अभी सबसे ज़्यादा जो दुख वाली बात बताऊँ क्या हुई है, चेक करें ये कि वो सीधा लगा हुआ है और ये वाला साइड जो थी ये उस तरफ आनी थी और उस वो वाली साइड इधर आनी थी। वही मैंने ये लगा भी दिया लेकिन मैंने अभी उसे उतारने की कोशिश की है, लेकिन खैर जो टेप लगाई थी वो भी ज़ाया हो गई है। और इसे अगर उतार के अभी दोबारा उस तरफ लेके जाऊंगा तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। अभी ना दिल मेरा टूट गया बस, अभी क्या बताऊँ मैं आपको कि इस वक्त मेरा सीन क्या चल रहा है। कि मैं ना आगे सोच ही जा रहा था कि यार ये वाला जो क्रोम है और ये वाला जो क्रोम है ये साथ क्यों नहीं मिल रहा, मतलब ये क्रोम ऊपर वाली साइड पे क्यों नहीं आ रहा है।
कोई पता बाद में चला कि ये तो गलत साइड ही गलत लगा दी मैंने। अभी करना क्या है मुझे, अब समझ में आई है कि ये वाली साइड उस तरफ जानी थी और वो वाली साइड इस तरफ आनी थी। खैर अभी इससे आगे जाना वो व्लॉग मुझसे कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो ये देखें ये वाली साइड और उस वाली साइड दोनों में फ़र्क आ गया है। ये क्रोम ऊपर है, वो क्रोम नीचे है। खैर इनका अभी कोई हल नहीं है, बताता हूँ आपको कि इनका अब कोई हल नहीं है। इसे मैं उतार के सीधा करूँगा तो टेप जो नीचे लगी वो दोबारा ज़ाया हो जाएगी। अभी मुझे दोबारा टेप मंगवानी पड़ेगी क्योंकि टेप मेरे पास ख़त्म हो चुकी है अभी। तो अभी अगर टेप यहाँ से तो खैर मुझे मिलनी नहीं है, टेप दोबारा मंगवाऊँगा फिर इन्हें दोबारा से सही तरह करके लगाऊंगा। अभी तो गंदे ही बहुत लग रहे हैं। मैं आके देख रहा था यार ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये दोबारा मैंने अप्लाई किए, पहले तो अच्छे लग रहे थे, अभी पता चला है कि अच्छे क्यों नहीं लग रहे। इसी वजह से अच्छे नहीं लग रहे कि लगा ही गलत दिए मैंने, क्या किया जाए यार। खैर मेरा अभी दिल कर रहा है कि मैंने उतार दूँ, लगाऊँ ही ना, मैंने उतार दूँ, उतार के रख लूँ और दोबारा जब टेप आएगी तो टेप आएगी तो फिर इसे दोबारा लगा दें। और ये देखें ये अभी फाइनली मैंने इसे उतार दी है दोनों साइडें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी तो लगाने का फ़ायदा ही नहीं था, तो मैंने अभी उतार दी हैं। तो टेप अभी इनके साथ ही देखें अभी लगी हुई है, क्योंकि टेप अभी खुश्क नहीं हुई थी, तो ये भी मैंने उतार दी हैं। इन्हें अभी मैं रख लूँगा यहीं पर वापस, अभी दोबारा टेप मंगवाएँगे और ये फिर दोबारा जो है ना वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी जो है ना इनका कोई काम नहीं रह गया फिलहाल, इन्हें यहीं पे रख देते हैं हम जान छुट्टी। इसी बैड न्यूज़ के साथ आज का व्लॉग है जो हम वो एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि दिल आपके भाई का टूट गया है। बड़ी जो है ना एनर्जी के साथ आज इन्हें जाके लेके आया हूँ, उसके बाद आगे टेप लगाई है, टेप लगाने के बाद लगाए हैं और वो उल्टे लगा दें। खैर इनमें भी कोई बेहतरी होगी, तो वैसे भी मुझे लगे ना अच्छे लग नहीं रहे थे, लेकिन खैर पता मुझे बाद में चला गया तो वो लगाए मैंने उल्टे दिए, तो खैर कोई मसला नहीं है। आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड, लाइक सब्सक्राइब आपने कर देना, बाकी रानी एक बार फिर देख लें आप। तो अभी मैं इसके ऊपर बस कपड़ा डाल के अभी जाने वाला हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।